एक दिन राहुल अपने घर के लिए कुछ जरूरी सामान लेने के लिए अपने बाइक से शहर जा रहा था। शहर पहुंचने के बाद काफी देर तक वे सामान ढूंढता रहा, पर उसे पूरे बाजार में वो सामान कहीं भी नहीं मिला। परेशान होके वो इधर उधर घूमता रहा। शाम भी हो चुकी थी, उसे घर भी जाना था, इसलिए अंत में थक हार कर वो वापस अपने घर जाने का फैसला लिया। वे शहर से थोड़ा आगे निकला ही था कि तेजी से आती हुई कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में राहुल को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, बस उसके पैर में थोड़ी चोट लग गई थी जिससे वहाँ से खून बह रहा था। रास्ता सुनसान होने के कारण कार वाला वहाँ से भाग गया। वे राहुल अकेले ही था, उसने अपनी बाइक उठाई और घर की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर जाते ही राहुल को एक अस्पताल दिखाई दिया। राहुल ने तुरंत अपनी बाइक रोकी और सोचा, पहले मैं अपने पैर में पट्टी बांधवा लेता हूँ ताकि खून निकलना बंद हो जाए, फिर घर जाऊंगा। फिर राहुल उस अस्पताल के अंदर चला गया। अस्पताल के अंदर का नजारा बहुत ही ज्यादा डरावना था। वहां राहुल को एक इंसान तक दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल ने जोर से आवाज लगाई, कोई है यहाँ? मुझे अपना इलाज करवाना है। तभी अंदर से एक औरत की आवाज आई, आप थोड़ा देर वही बैठिए, मैं अभी आ रही हूँ। लड़की की आवाज सुन के राहुल थोड़ा शांत हुआ और वही पास के टेबल पे बैठ गया। राहुल के बैठते ही वही की लाइट बंद चालू होने लगी और किसी औरत के डरावने तरीके से हंसने की आवाज आई। राहुल थोड़ा घबराया पर खुद को समझाते हुए बोला, ये शायद मैडम की आवाज होगी। फिर एकदम से जोर से चीखने की आवाज आई। राहुल इतना सुनते ही राहुल एकदम से डर गया और टेबल से खड़ा होकर बाहर निकलने लगा। तभी वो मैडम राहुल के पास गई और उससे बोली, हाँ बताइए, आपको क्या इलाज करवाना है? मैडम को देख के राहुल के अंदर हिम्मत आई और उसने कहा, मैडम मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे पैरों से खून निकल रहा है, आप इसका इलाज कर दो। मैडम ने राहुल के घाव देख कर उसे अंदर ले गई। वो राहुल का इलाज करने के लिए राहुल के पैर से खून साफ कर रही थी और खून को देख के बहुत खुश हो रही थी। उसने राहुल के सामने में खून को सूंघने लगी। राहुल को थोड़ा शक हुआ तो उसने कहा, मैडम आप ये क्या कर रही हो? उस चुड़ैल ने राहुल को कोई जवाब नहीं दिया, बस डरावनी आवाज में घूर रही थी और खुश हो रही थी। राहुल एकदम से डर गया और अपना पैर हटा लिया। राहुल को ऐसा करते ही वो चुड़ैल एकदम गुस्से से अपने असली रूप में आ गई और राहुल से कहा, मुझे तेरा खून पीना है, तू नहीं बचेगा अब। राहुल ने चुड़ैल का भयानक रूप देखा, सड़ी हुई उसकी चमड़ी, बड़े बड़े दांत। एकदम से राहुल डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। कुछ देर में जब वो होश में आया तो उसने देखा उसके पास दो लोग खड़े थे और उस पे पानी के चिटर चीटे मार रहे थे। राहुल ने उन लोगों से पूछा, आप लोग कौन हैं? और मैं तो हॉस्पिटल में था। उन लोगों ने राहुल से कहा, भाई तू पागल पागल है क्या? कौन सा हॉस्पिटल, यहाँ दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। राहुल खड़ा हुआ और उन लोगों को हॉस्पिटल दिखाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, राहुल के पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान था। इतना देखते ही राहुल को याद आ गया कि उसी चुड़ैल मारने वाली थी, तो राहुल डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। राहुल के साथ जो लोग थे
वो समझ गए थे कि राहुल काफी डर चुका है। फिर उन लोगों ने राहुल को उसके घर तक पहुंचा दिया। उसके बाद से राहुल कभी भी उस रास्ते से अकेले नहीं गया और इस घटना को याद करके आज भी वो बहुत ज़्यादा डर जाता है।